शर्मनाक हार के बाद विराट कोहली ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने पहले 3 मैचों में साबित कर दिया है कि उसके इस साल उनसे बेहतर बल्लेबाजी क्रम और किसी के पास नहीं है। बेंगलुरु के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस मैच में विपक्षी कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका यह निर्णय बेहद गलत साबित हुआ। हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज जॉनी ब्रेस्टो और डेविड वार्नर ने एक ही मैच में शतक जड़ दिया। जॉनी ब्रेस्टो ने 56 गेंदों में 12 चौके और 7 छक्के मारते हुए 114 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा डेविड वार्नर ने आईपीएल में अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखते हुए नाबाद 100 रन जड़े। हैदराबाद ने मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम मात्र 113 रन के अंदर पवेलियन लौट गई। आरसीबी की ओर से सर्वाधिक 37 रन ग्रैंड होम ने बनाए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज चल नहीं पाया। हैदराबाद की ओर से मोहम्मद नबी तथा संदीप ने क्रमशः 4 और 3 विकेट लिए। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कोहली ने कहा कि पिच अच्छी थी, फिर भी हमने गेंदबाजी का फैसला किया ताकि उन्हें कम रन पर रोका जा सके, लेकिन वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो ने शानदार पारी खेली। उन्होंने कहा कि जॉनी ब्रेस्टो ने जिस अंदाज में खेला वो काबिले तारीफ था। उन्होंने मैच का रुख पलट कर रख दिया। जॉनी ब्रेस्टो ने हमसे मैच छीनने का काम किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।